वेलकम बैक टू शो। अब हम आपके फेवरेट सेगमेंट की बात करेंगे, जो सेगमेंट आपके बहुत करीब है और हाँ। आप समझते हैं कि पूरे हफ्ते का आपको इस सेगमेंट से पता चलता है। यह है एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट, सितारों का हाल आपको बताएंगे इस सेगमेंट में। और हमारे साथ मौजूद होंगे दाऊद जी, लेकिन उससे पहले आप जरा नंबर तो बताइए। जी हाँ, नंबर हमारी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा होगा, आप कॉल भी कर सकते हैं और अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। 0518901008, 0512624946 ये हमारी स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। दाऊद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो दाऊद जी। सबसे पहले स्टार का जो आपसे पूछना चाह रहे हैं सब लोग भी और हम भी इंतजार करें, वेरी से क्या हालात होने वाले हैं उनके इस हफ्ते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। और सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की, एरीज बुर्ज हमल वालों की स्टोरी ऑफ द वीक। एरीज वालों का कैसा रहेगा ये वीक? तो एरीज वालों का ये वीक बहुत जबरदस्त जबरदस्त होने जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके कामों में बड़ा जबरदस्त बदलाव लेकर आ रही है। आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं अपने कैरियर से मुतलका। अब आप सीरियस हो चुके हैं अपने कैरियर को, अपने मामलात को सेटल करने के लिए। गुस्सा थोड़ा सा रहेगा, लेकिन आप अपने फैमिली से मुतलका मामलात, अपने हालात को बेहतर करने के लिए बड़ा पॉजिटिव नजर आते हैं। आपका कैरियर कैसा रहेगा एरीज वालों का इस वीक में? तो कैरियर में कोई बड़ी खबर नजर आ रही है, ये कार्ड है बड़ी खबरों का। और मोहब्बत कैसी रहेगी एरीज वालों की इस वीक में? तो मोहब्बत में एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी मोहब्बत में कामयाबी को जाहिर करती है। मैसेज ऑफ द वीक है एरीज वालों का इस वीक में, टेक एक्शन। तो आपको एक्शन है अपनी मोहब्बत में जो है वो, और कामयाबी में और कैरियर में सारी चीजें आप कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ते हैं टॉरस की जानिब। टॉरियंस का क्या हालात हैं इस वीक के? ये आपका अपना स्टार है और इसलिए आप खुद ही पूछ रहे हैं। टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरीज ऑफ द वीक 3 कार्ड की एनर्जी से, तो टॉरस वालों का कैसा रहेगा ये वीक? तो जनाब टॉरस वालों का ये वीक तो बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। आप कुछ नया करने जा रहे हैं, आपके मामलात में बड़ी जबरदस्त किस्म की मदद है। और यहाँ पे सेकंड कार्ड की एनर्जी में कोई नई शुरुआत है, कोई नया करना चाहते हैं अपने हालात को बेहतर करने के लिए। और थर्ड कार्ड की ऑप्शन में कुछ पुराने काम भी हो सकते हैं। तो ये वीक आपका बहुत एनर्जेटिक है, इसमें आप वाइट और रेड कलर का भी यूज कर सकते हैं, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। तो मैं समझता हूँ कि टॉरस वालों के लिए बड़ी जबरदस्त मदद है। टॉरस वालों का कैसा है? तो किंग ऑफ कप, तो कैरियर वाइज आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। मोहब्बत से मुतलका टॉरस की क्या एनर्जी है? तो मोहब्बत में इजाफा, लेकिन मोहब्बत को बोझ नहीं समझना, मोहब्बत में तोहफे तहाइफ हो सकते हैं, कामयाबी मिलेगी। और आपको इस वीक का सन एनर्जी से मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, रिकंसीडर। तो रिकंसीडर करें अपने मामलात को, उसमें मदद रहेगी। दाऊद जी आपने पानी का नाम लिया तो असनैन ने फौरन से पानी पी लिया और पानी का इस्तेमाल अभी से शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं जेमिनी के हवाले से, क्या जो है सुरताल होने वाली है? जेमिनी वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब जेमिनी वालों के लिए कुछ थोड़ी सी एहतियात है, लेकिन कामयाबी मिलेगी। ये कार्ड्स की एनर्जी आपके मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद दे रही है और काम काफी ज्यादा है, उन कामों की जिम्मेदारी रहेगी आप पे, लेकिन आप अपनी सेहत से मुतलका कुछ मामलात में थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार नजर आते हैं। अपनी सेहत का कुछ ख्याल रखिएगा। और जेमिनी वालों के कैरियर की एनर्जी है, आपके कैरियर में ऑप्शंस और कामयाबी है। और कैरियर के अलावा मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में आपको कोई अच्छी और बड़ी खबर मिल सकती है। और जनाब इस वीक का आपका मैसेज ऑफ द वीक है, लुक फॉर अ साइन। तो जनाब बड़ी जबरदस्त एनर्जी है, लेकिन सेहत का ख्याल रखिएगा। ठीक हो गया दाऊ जी, आगे बढ़ते हैं कैंसर के हवाले से, बताइएगा कैंसरियंस का ये वीक कैसा गुजरेगा? तो कैंसर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वालों की सर ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं इस वीक में, बड़े जबरदस्त किस्म के मामलों में मदद है। आप व्हाइट कलर का यूज करें और जुमा के दिन व्हाइट कलर का सदका भी दें। और द सन की एनर्जी आपके इस कैरियर में कामयाबी और क्लैरिटी, कुछ चीजें आपकी क्लैरिटी की तरफ नहीं जा रही थी वो आपको क्लैरिटी की तरफ ले जाएंगी। और कैरियर कार्ड आप लोगों का इस वीक में, जो भी आप कैरियर में काम करना चाहते हैं हासदीन से बच के रहिएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो बैठी हुई है ये आपके कैरियर में हासदीन से रुकावट आएगी। मोहब्बत का कार्ड आप लोगों का इस वीक में प्रेशराइज नजर आते हैं। और आप लोगों को इस वीक में सन एनर्जी मैसेज दे रही है, बिग हैप्पी चेंज, बहुत बड़ी तब्दीली। सही हो गया, और आगे बढ़ते हैं लियो के हवाले से। लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वालों के लिए इस वीक में देखें आपके मामलात बड़े सॉलिड किस्म के होने जा रहे हैं, कामों में बड़ी जबरदस्त मदद है। लेकिन द डेविल,
बद असरात, शैतानी असरात और रुकावटें मौजूद हैं और कुछ मामला से मुतलक बंदिश भी मौजूद है। आपको रूहानी मामला ठीक करने चाहिए, तो मैं कहूंगा कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम 21 मरतबा रोजाना पानी पे दम करके आप पिए, उससे बेहतरी रहेगी। और मैसेज है आप लोगों का इस वीक में जो करना चाहते हैं उसमें नो का मैसेज है, इसलिए एहतियात करें आप। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं, विर्गोस की जानिब चलते हैं। विर्गो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जनाब विर्गो वाले इस वीक में चैरिटी का कार्ड है। आप अपने हालात को बेहतर करने के लिए बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं और कामयाबी मिलेगी, कोई डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा मिलेगा। लेकिन नाकामी कंफ्यूजन की वजह से हो सकती है, कंफ्यूज ना होइए आप। और कैरियर का कार्ड है, आप लोगों का नेगेटिविटी की वजह से कैरियर में प्रॉब्लम है और मोहब्बत की एनर्जी में आपको कामयाबी मिलेगी, क्लियर क्लैरिटी मिलेगी और वीक का मैसेज है आप लोगों का हेल्पफुल पीपल, तो लोगों की मदद करें उससे आपके फायदे हो जाएंगे। सही दाऊद जी, एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, सोबिया। सोबिया वेलकम टू शो, अपना सवाल कीजिए। बाजी, मेरी ना दो तलाकें हो चुकी हैं, तीसरी तलाक हालांकि मैं नहीं लेना चाहती, तो वो मैं जानना चाहती हूँ कि ये तलाक हो जाएगी कि रुक जाएगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी 8 सितंबर 1998। 8 सितंबर 1998। दाऊद जी, दो तलाकें इनकी हो चुकी हैं, तीसरी तलाक वो कह रही है कि ना हो, रुक जाए, तो क्या कुछ इनके नसीब में है? इनकी नेगेटिविटी है, इनको लाजमन अपना सदका देना चाहिए, इनको आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए रोजाना 21 मरतबा और अपना स्पिरिचुअल इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकती है, तो इनको अपना करवाना चाहिए क्योंकि नेगेटिविटी इतनी है कि अगर चौथा भी हुआ तो वो भी हो सकती है। तीसरा नहीं, चौथा भी हुआ तो वो भी हो सकती ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिब्रा के हवाले से क्या इस दफा प्रेडिक्ट किया जा रहा है? लिब्रा वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा वालों को थोड़ा सा एहतियात करना है। लिब्रा वाले थोड़ा सा जज्बाती नजर आते हैं, मामला में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, डेथ कार्ड भी मौजूद है। ओवर थिंक नहीं करनी और आप अपने कामों को दिन के वक्त मुकम्मल करें, क्योंकि रात के वक्त अगर काम वगैरह करेंगे तो उससे नेगेटिविटी फैलेगी आपकी। तो लिब्रा वालों को इस वीक में ज्यादा से ज्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह सुभाना का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द भी करना चाहिए। और लिब्रा वालों का कैरियर जबरदस्त है और मोहब्बत से मुतलका एनर्जी में आपको कामयाबी है, लेकिन ओवरऑल बहुत सी चीजें आपको जो है वो बेहतरी के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। और मैसेज है वालों का इस वीक का, गेट मोर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि आपके पास इंफॉर्मेशन अगर कम होगी तो आपको नुकसान मिलेगा। ठीक हो गया। अस्मा साहिबा हमारे साथ कराची से मौजूद है। अस्मा, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल पूछिएगा। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह, पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करूंगी कि बहुत अच्छा आप लोग ये सेगमेंट करते हैं और ओवरऑल भी आपके शोज अच्छे होते हैं। और ये जब से दाऊ जी आपने इनको इन्वाइट किया, ये हम सब घर वाले बहुत ज्यादा इनको शौक से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बहुत अच्छी ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अस्मा, सवाल कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ के जी साथ। नाम है सलमान अब्बास अबरो, 20th January 1986, ये कराची में पैदा हुए हैं। ये जी जर्मनी में होते हैं और ये मेटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये अपना ऑनलाइन बिजनेस अमेजोन पे जर्मनी से करना चाह रहे हैं, मतलब जैसे मोबाइल एक्सेसरी या ज्वेलरी या इलेक्ट्रॉनिक वगैरह की चीजों का। तो आप ये प्लीज दाऊ जी से कहें कि ये बताएं कि ये ऑनलाइन बिजनेस अमेजोन पे करना, अकाउंट बनाकर ये इनका चलेगा या नहीं, और ये मेटल इंडस्ट्री का काम जारी रखें या छोड़ दें। ठीक हो गया दाऊ जी, आपने सवाल सुन लिया। 20 जैन इनकी तारीख पैदाइश है और मेटल का काम करना चाहते हैं ऑनलाइन। देखिए 20 से जो इनकी एनर्जी मिल रही है, ये काम बहुत जबरदस्त इनको आता है, बड़ी जबरदस्त मदद है। इनके मामलात इनके स्पिरिचुअलिटी की वजह से खराब होते हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये इतनी जबरदस्त जो है एनर्जी रखते हैं, हर काम में हाथ डालते हैं, तो इनको इन्फॉर्मेशन बड़ी जबरदस्त होती है। ये अगर अपने मामलात को रूहानी तरीके से देखें तो बड़ी जल्दी ये कामयाब हो सकते हैं। मैं कहूंगा कि बिल्कुल करें, सारे ही काम ये कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं इनको मशवरा दूंगा, एक तो आयतुल कुर्सी 21 मरतबा रोजाना पानी पे दम करके पिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और नजरे बात के असरात मुझे नजर आते हैं। दूसरा, अपने कामों के लिए ये 505 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन 21 डेज रोजाना इशा के बाद पढ़े और अपने लिए दुआ करें। मुझे नहीं लगता कि इनकी कामयाबी कोई रोक सकता है, क्योंकि इनके पास टू की एनर्जी इंट्यूशंस है, आपको नेट सोशल मीडिया और बहुत अंदर की एनर्जी के साथ पावर देती है। तो मैं तो कहता हूं कि मुझे नजर आ रहा है ये कामयाब होंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और नेगेटिविटी की वजह से इनके लिए प्रॉब्लम है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट टास्क स्कॉर्पियो की जानिब, उसके हवाले से बताइएगा उनका अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा।
स्कॉर्पियो वालों की स्टोरी ऑफ द वीक तो बहुत जबरदस्त है। स्कॉर्पियो वालों के पास किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है, जो डिसीजन लेंगे कामयाबी होगी और इनके एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये अकेलेपन और उदासी का शिकार नजर आते हैं, जिसकी वजह से मामला में डिले है, तो इनको एहतियात चाहिए। मामला से मुतलका कैरियर की एनर्जी, इनकी डबल माइंडेड नजर आते हैं किसी बात को लेकर, और मोहब्बत की एनर्जी में ये लोग कामयाब होंगे, बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। और मैसेज है इन लोगों का, स्कॉर्पियो वालों का इस वीक का मैसेज है जनाब, इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल करें, अब कामों की वजह से अपनी सेहत डिस्टर्ब कर सकते हैं। सही है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, अजीम साहिवाल से। अजीम, वेलकम टू द शो, अपना सवाल कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ के साथ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/11/2002। तो मैं ये सर से पूछना चाहता हूँ कि अभी कारोबार के हवाले से मतलब क्या मेरा सही चलेगा, क्योंकि अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अपना कारोबार शुरू किया जाए। आपके पास पैसे की कमी नजर आ रही है, इन्वेस्टमेंट करें और उसकी सही प्लानिंग करें। सही प्लानिंग करेंगे तो कारोबारी मामला ठीक नजर आते हैं, तो आप उसकी सही वर्किंग करें अजीम। और मैं आपको कहता हूं कि आप अपने कामों के हवाले से, कारोबार के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा 21 दिन लगातार पढ़ो और बिल्कुल सही चलेगा। क्या आपका सही चलेगा? तो मुझे तो बड़ी अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। आपको मेहनत की जरूरत है, आप कंफ्यूज ना हो, जज्बे से काम करो। और मुझे लगता है मोहम्मद अजीम की एनर्जी 5 का अदद है और 2025 आपके लिए वैसे ही कामयाबियां लेकर आएगा। सही, आगे बढ़ते हैं। और अब सैजिटेरियस के हवाले से बताएगा, क्योंकि मैं इसको बहुत गौर से सुनूंगी, मेरा अपना स्टार है। वाह वाह। के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो सैजिटेरियस वाले कुछ जज्बाती नजर आते हैं इस वीक में, बिल्कुल होना चाहिए। आप क्यों और कुछ करना चाहते हैं, आपके लिए ऑप्शंस मौजूद हैं इस वीक में। आप कोई बाहर जाना चाहते हैं, आप फिरना चाहते हैं, आप वॉक यानी कि अपनी सेहत के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा डबल माइंडेड हैं किसी बात को लेकर इस वीक में, कि करूं या ना करूं, फैसला करूं या ना करूं, इस तरह की एनर्जी आपकी नजर आती है। कैरियर की एनर्जी में तो बहुत जबरदस्त, आपकी अहमियत बड़ी जबरदस्त है, कामों में मदद है, बड़े जबरदस्त फैसले हैं। और मोहब्बत में आप लोग खुशियां हासिल करेंगे, ज्यादा घर में वक्त गुजारें, अपनों के साथ वक्त गुजारें, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जबरदस्त है। लेकिन आप कहीं ना कहीं डबल माइंडेड हैं, या दो दो काम, या दो दो काम हैंडल करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत और का इस वीक का रिकवरी, कुछ चीजें आप रिकवर करना चाहते हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने मामलात को बेहतर करने के लिए रिकवरी कर रहे हैं, अपनी सलाहियतों को मजीद उजागर कर रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्कॉर्पियो, आई थिंक स्कॉर्पियो हो गया, एक्वेरियस, एक्वेरियस, बैग यू पार्डन, एक्वेरियस के हवाले से बता। बाद हमें कैप्रिकॉन की तरफ जाना चाहिए। कैप्रिकॉन कर ले, कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉन वाले कुछ बड़ा बदलाव चाह रहे हैं अपनी जिंदगी से, मतलब का चेंजिंग चाह रहे हैं, और अब आप बड़ी तब्दीली की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, और नई शुरुआत है, बिगनिंग है अपने कैरियर, अपने फ्यूचर की तरफ, और बड़ी हैरान कन तब्दीलियां आप लोगों की, जो लोग मीडिया से हैं उनकी मीडिया में बड़ी जबरदस्त एनर्जी है इस वीक में। आपको बहुत कुछ करना चाहिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि कुदरत की देवी आपके ऊपर इस वीक में बड़ी मेहरबान है, क्योंकि अक्वेरियस में जब सैटर्न आता है, जोहल आता है, तो ना सिर्फ कैप्रिकॉन को बल्कि अक्वेरियस को बल्कि ईरिस को भी आने वाले 18 इयर्स तक कामयाबियां देकर जाएगा। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी जबरदस्त मदद है। कैरियर का कार्ड की बात करूं, दी स्टार्स एनर्जी हासिल कर रहे हैं कामयाबियां, और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मोहब्बत में बहुत जबरदस्त मदद है। और इस वीक में कैप्रिकॉन वालों को मैसेज है जनाब, इन द नियर फ्यूचर यानी कि करीबी वक्त में आप बहुत बड़ी तब्दीली और कामयाबी हासिल करेंगे। ठीक हो गया। हमारे साथ कॉलर है मोहम्मद सिद्दीक। सिद्दीक, अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सवाल पूछिएगा। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1968। जी, सवाल सर, मेरा दो सवाल है। मेरा बैरून मुल्क सफर कोई है, वहाँ जॉब हो सकती है, बेरोजगार हूँ, बहुत हालत खराब है, हो सकती है, जा सकते हैं, और आप अपनी फैमिली के मामलात को पहले हैंडल करें, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी। ठीक हो गया, आपको फैमिली में प्रॉब्लम्स को ठीक करना होगा। जी, नेक्स्ट स्टार की जानिब बढ़ते हैं। दाऊद जी, एक्वेरियस बुर्ज दिलो, अक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो अक्वेरियस वाले इस वीक में बहुत एनर्जेटिक और मसरूफ नजर आते हैं, कामों में बड़ी जबरदस्त, आपकी वालिदा आपकी मदद करती हुई नजर आ रही हैं, और आप एक एहतियात की
आपके हासदीन बहुत हैं, वो आपकी तरक्की से नाला हैं, और जितना अपनी बातें अपने तक रखेंगे उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी। कैरियर का कार्ड आपका बहुत ज़बरदस्त है, आप अपनी जॉब में सुकून महसूस करेंगे, और मोहब्बत से मुतलका आपको कंप्रोमाइज़ करना है, ज़बरदस्त मदद है, कामयाबी है। और मैसेज ऑफ द वीक है आप लोगों का कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि आप सही कम्युनिकेट करेंगे तो कामयाबी आप समेटेंगे। सही हो गया दाऊद जी। अब आखिरी बुर्ज है उस मुतालिक भी बताएं, क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है पाइसिस के हवाले से? पाइसिस हमारा कैसा रहेगा? तो पाइसिस वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो जनाब पाइसिस वाले इस वीक में एस ऑफ कप की एनर्जी आपके पास बहुत ज़बरदस्त मदद है, कामयाबी है, ये कप है, दी वर्ल्ड की एनर्जी, कुछ मामला में बंदिश लगी हुई है और ये बंदिश और रुकावटें आप रूहानी तरीके से दूर करिएगा, क्योंकि आपकी डबल फिश की एनर्जी आपको या तो रस्तों में रुकावटें देती है या आप पीक तक होते हैं, पीक भी हासिल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीक में अपने लिए रूहानी अमाल लाजमी जोड़ें। मिसाल के तौर पर आपको रोजाना सुबह के वक्त या अल्लाह या वहाब या रजाक रोजाना एक तस्वीर करनी चाहिए, उससे आप बड़ी जबरदस्त एनर्जी हासिल करेंगे। कैरियर की कार्ड में देखें आपके इसीलिए या अल्लाह या वहाब और या रजाक की एनर्जी आई है, कैरियर में प्रॉब्लम है, कुछ चीजें डिस्टर्ब है, और मोहब्बत से मुतलका आपको उदासी और नेगेटिविटी है। तो आपको अपनी रूहानी मामलात को बेहतर करना है जिससे मदद होगी। और मैसेज है आप लोगों का इस वीक का, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कुछ आपके जो करीब हैं उनको कहें कि आपकी हेल्प करें, आपको प्रमोट करें, वहां से आपकी हेल्प होगी इस वीक में। सर, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है फौजिया लाहौर से। फौजिया सवाल कीजिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ के साथ। हाँ, मेरी 40 साल है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ फौजिया। डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ भी बताइएगा फौजिया, डेट ऑफ बर्थ भी बताइए और सवाल कीजिए। 1940 नहीं, आप सवाल पूछ, सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि हमने ना मकान लिया है किस्तों पर, तो वो हमें बना के नहीं दे रहा, वो बहुत प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहा है, वो हमें मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? जी दाऊद जी, फौजिया को क्या मकान मिल सकता है, कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं जी। नहीं जी, आपको ये 3 साल से मसलों का सामना करना पड़ रहा है, डिसार्ट है, उस बंदे ने आपका दिल तोड़ा है, और क्या आप इसके लिए कुछ रूहानी काम करें तो मिल सकता है? तो आपको ज़रूर इस काम के लिए पढ़ना चाहिए। मैं पढ़ने के लिए आपको बताता हूँ, हसबुन अल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीब, 505 मरतबा, 41 दिन इस काम के लिए ज़रूर करो। 41 दिन के बाद जो है मीठा लेकर उसके ऊपर यही पढ़ाई 100 मरतबा पढ़ के बच्चों में बांट दो या फकीर को दे दो, तो मिल सकता है, मगर प्रॉब्लम है, रुकावटें हैं, धोखा दिया गया है आपको। ठीक हो गया दाऊ जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, बड़ा ही इंटरेक्टिव सेशन रहा है दाऊ जी के साथ। जी हाँ, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, स्टे विद अस।